पहलुओं की छानबीन कर रही है और जांच के बाद क्या कुछ सच है वो सामने आएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको पाकुड़ से बता दें, जहां पचुवाड़ा सेंट्रल कोल ब्लॉक से 90 करोड़ की मशीनें चोरी कर ली गई। ईस्टर्न मिनरल ट्रेडिंग एजेंसी के प्रतिनिधि ने यह मामला दर्ज कराया है। अमड़ापाड़ा पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ यह मामला दर्ज कराया है। 5 सालों से एमटा कंपनी में चोरी हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1 अप्रैल 2015 से कोल ब्लॉक बंद है और इन 5 सालों में देखिए 90 करोड़ की मशीनें चोरी कर ली गईं। तो कैसे ये पूरा खेल खेला गया है, 90 करोड़ की मशीन की चोरी और ये 2015 से ये कोल ब्लॉक बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कोल ब्लॉक बंद करने का और इन 5 सालों में देखिए 90 करोड़ की मशीन इस कोल ब्लॉक से चोरी कर ली गई और किसी को भनक तक नहीं लगी। जानकारी नहीं लगी कि कैसे 90 करोड़ की मशीनें चुरा ली गई। आम चोरी नहीं है, कोई छोटी मोटी चोरी नहीं, देखिए 90 करोड़ की मशीन उसकी चोरी हो गई। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था इस कोल ब्लॉक को बंद करने का और जब ये कोल ब्लॉक बंद हुआ उसके बाद निगरानी नहीं हुई, मॉनिटरिंग नहीं हुई, ना ही देखरेख हुई, ना ही कोई सिक्योरिटी और इस बीच 90 करोड़ की मशीन चोरी हो गई। जिला के अमड़ापाड़ा क्षेत्र में एमटा कंपनी का बंद पड़े खदान में मशीनरी और अन्य सामान जो जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है, इसके चोरी की सूचना मिल रही थी। कबाड़ी लोग इसको चुरा रहे थे। पुलिस के संज्ञान में आने पर मामला पर एफआईआर दर्ज किया गया है और पुलिस इसमें तत्परता से अनुसंधान कर रही है। की खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर 90 करोड़ की मशीन की चोरी कर ली गई है बंद कोल ब्लॉक से।